देख रहे हैं प्राइम टीवी, मैं प्रिया कुछ खास खबरों के साथ। मऊ में शॉर्ट सर्किट की वजह से बिजली का हाई टेंशन तार एक किसान के खेत में गिर गया, जिससे लाखों की फसल जलकर राख हो गई। यूपी के मऊ में रानीपुर थाना क्षेत्र के जमालपुर गांव में उस वक्त हड़कंप मच गया जब शॉर्ट सर्किट की वजह से बिजली का हाई टेंशन तार किसानों के खलिहान में गिर पड़ा। उसकी चिंगारी से आधा दर्जन से ज्यादा किसानों की गेहूं की फसल जलकर राख हो गई। जब तक फायर विभाग पहुंचती, तब तक किसानों को आग बुझाने में सफलता मिल गई थी। अयोध्या में एक साधु ने राम जन्मभूमि थाने में आत्मदाह की कोशिश की। साधु का आरोप है कि बैग चोरी की शिकायत करने पर उसको ही पुलिस ने डांट फटकार दिया और रिपोर्ट नहीं दर्ज की, जिसके चलते साधु ने न्याय की गुहार लगाई है। बैग चोरी होने से परेशान साधु की रिपोर्ट दर्ज न होने पर उसने आत्मदाह की कोशिश की। दो दिन पहले भोपाल से अयोध्या दर्शन के लिए साधु रामदास त्यागी का बैग चोरी हो गया था। चोर को पकड़कर जब थाने ले गए तो पुलिस मुकदमा दर्ज न कर उल्टा पीड़ित को ही फटकारने लगी। इसी बीच मौका पाकर चोर बैग सहित फरार हो गया। तभी से पीड़ित साधु लगातार थाने का चक्कर लगा रहा था। आखिर थक हार कर उसने मंगलवार की शाम थाने में ही अपने शरीर पर पेट्रोल डालकर आग लगा ली। एसएसपी ने इंस्पेक्टर राजीव सिंह समेत 3 पुलिस कर्मियों को सस्पेंड कर न्याय का आश्वासन दिया है। भोपाल मध्य प्रदेश के साधु हैं, उनका कहना है कि उनका बैग चोरी हुआ था और उस समय में मुकदमा लिखाने के लिए गए थे थाने पर। मुकदमा नहीं लिखा था, जिसमें आज ये चबूतरे में बैठे हुए थे। इन्होंने रात में जो है वो आग लगाई, जिससे सिर के पास में हाथ में वहाँ पर जला है। मैं थाने पर भी गया था और यहाँ पर हॉस्पिटल में भी हूँ। मेरी जो है साधु बाबा से बात भी हुई है, तो एक तो हम इनको रेफर करवा रहे हैं इलाज के लिए, अब हम अपनी देख रेख में स्वयं करा रहे हैं। दूसरा, हमने ये पाया है कि ये व्यक्ति जो है साधु हैं, ये कल गए थे थाने पर, तब भी मुकदमा नहीं लिखा गया, तो हम थानाध्यक्ष और जो कार्यालय कर्मी इनके विरुद्ध हम कठोर कार्रवाई करने जा रहे हैं। अयोध्या से दीपक श्रीवास्तव की रिपोर्ट, प्राइम टीवी। बांदा में एक महिला ने लोक लाज के भय से अपनी संतान को खैराड़ा स्टेशन के पास झाड़ियों में फेंक दिया। राहगीरों ने बच्चे की सूचना 100 डायल पर फोन करके दी। बांदा के मटौंद थाना क्षेत्र के खैराड़ा स्टेशन के पास एक महिला ने अपने नवजात बच्चे को रोड किनारे झाड़ियों में फेंक दिया। वहां से निकल रहे राहगीरों ने बच्चे को डायल 100 को फोन कर सूचना दी। सूचना पर पहुंची पुलिस ने बच्चे को जिला अस्पताल पहुंचाया, जहां रमा नाम की महिला ने इस बच्चे को गोद लेने की इच्छा जाहिर की। बांदा में दो पक्षों में मामूली बात पर लाठी डंडे से विवाद हो गया। इस घटना से कई लोग घायल हो गए। वहीं एक पक्ष का आरोप है कि पुलिस ने उनकी रिपोर्ट नहीं दर्ज की। बांदा शहर के पद्माकर चौराहे पर राजकीय महिला इंटर कॉलेज के सामने दो पक्षों में मामूली विवाद के चलते लाठी डंडे से दोनों पक्षों के कई लोग घायल हो गए। वहीं एक पक्ष यानी लतीफ का आरोप है कि चोटें दोनों पक्षों को आई हैं, लेकिन मेरी रिपोर्ट नहीं लिखी गई और कोतवाली से भगा दिया और कहा कि तुम मुस्लिम हो, तुम्हारी रिपोर्ट नहीं लिखी जाएगी। वह लोग भाजपा के हैं और सरकार उनकी है। न्याय न मिलने के कारण लतीफ ने पुलिस अधीक्षक सालनी से मुलाकात की तो उन्होंने जांच कराकर कठोर कानूनी कार्रवाई की बात कही। भाई के ऊपर जो है बाहर इन दोनों पक्षों में जो है लड़ाई हुई, ठीक, मैं मारपीट हुई दोनों पक्षों, मेरे भाई की और उनके लड़के की, दोनों की। लेडीजों का मेरी कोई वो नहीं है, लेडीजें अंदर थी, भक्ति हुई बाहर गई। इसके बाद हम जो है चौकी गए महिलाओं को लेके, अपने भाई को लेके, मगर हमारी एफआईआर नहीं लिखी गई। उनके पास फ़ोन कराया गया, उनके पास दबाव कराया गया। जी हम लोग जियो को मना करते हैं तो वो लोग उस पे बात पे वो विवाद उठाते हैं और मार कुटाई करते हैं, गाली गलौज करते हैं और उनके पार्टनर जो जुआ खिलाते वो भी आते, वो भी गाली गलौज करते हैं। आपने शिकायत नहीं करी? जी करी थी, पर हम लोग की सुनवाई नहीं हुई। क्यों? क्योंकि वो बीजेपी से अटैच है। बांदा से भगत सिंह की रिपोर्ट, प्राइम टीवी। बांदा में कठुआ और उन्नाव रेप केस के लिए सामाजिक संगठनों ने कैंडल मार्च निकाला, साथ ही आरोपियों के खिलाफ फांसी की मांग की। बांदा में कश्मीर में 8 साल की मासूम के लिए सामाजिक संगठनों ने कैंडल मार्च निकाला। शहर का भ्रमण करते हुए शाम अशोक लाट पर पहुंचकर कठुआ पीड़ितों को श्रद्धांजलि अर्पित की। साथ ही उन्नाव और कठुआ में बलात्कार करने वाले दलितों के खिलाफ
सख्त कार्रवाई की मांग करते हुए फांसी की मांग की गई। कछुआ में और उन्नाव में और सूरत में जो लड़कियों के साथ जाती हुई या दरिंदगी हुई है, इसके खिलाफ, इसके विरोध में हम लोग ने ये आंदोलन किया, लेकर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। बलात्कार होते हैं, 8 साल की बच्ची है, कहीं 11 साल की बच्चियाँ हैं जो कि मतलब बलात्कार होते हैं। लोग कहते हैं कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, तो कैसे पढ़ेंगी जब बेटियाँ ही नहीं बचेंगी तो पढ़ेंगी कैसे? जब बेटी बचेगी जब ही तो पड़ेगी। जब लोग कहते हैं तलाक हो रहे हैं, 3 तलाक हो रखे, वो तलाक हो, उसके लिए कानून बन रहा है, और बाकी बेटियों के लिए कानून क्यों नहीं बन रहा है? उसके लिए भी कानून बनना चाहिए कि बेटी सुरक्षा रह सके। जब बेटी ही नहीं रहेगी तो पढ़ेगी कहाँ से, भविष्य कहाँ से बनेगा उनका? हमारा कैंडल मार्च निकालने का मुख्य उद्देश्य यही था, जो केस हुए हैं छोटी छोटी बच्चियों के साथ बलात्कार जैसे केस हुए हैं और उनकी हत्या भी की गई है, ये रोके। साथ ही साथ जो आरोपी अभी तक गिरफ्तार नहीं हुए हैं, वो आरोपी गिरफ्तार हो, उनके साथ उनके लिए कड़ी से कड़ी सजा उनको दी जाए। साथ हमारा ये मैसेज उन लोगों को भी पहुंचे, साथ उन लोगों को भी हमारा ये मैसेज पहुंचे हमारे कैंडल मार्च के जरिए, इस रिपोर्टों के जरिए, ताकि जो लोग आज भी आगे नहीं आना चाह रहे हैं वो आगे आए। क्योंकि ऐसे केस बलात्कार के जब होते हैं तो कहीं ना कहीं वो इज्जत के नाम पर उनको छुपा जाते हैं। अगर आज वो केस उजागर नहीं होंगे तो ये हादसा हमारे साथ, हमारी बेटियों के साथ, हमारी बच्चियों के साथ होता ही रहेगा। बांदा से भगत सिंह की रिपोर्ट, प्राइम टीवी।